हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो क्लास सिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है वही कंटिन्यू करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है आज इंग्लिश, चैप्टर नंबर है हमारा 3, बुक हमारी वही सेम बुक ले कंटिन्यू करिए अभी हम अ पैक्ट विद द सन, और हमें चैप्टर का नाम क्या है, शेफर्ड्स ट्रेजर। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेम मैं रीड करूँगी, फिर ट्रांसलेट करूँगी, और जो वर्ड्स हैं वो उनकी मीनिंग्स आपको बताती रहूँगी और लिखवाती रहूँगी, ठीक है। तो आप बुक निकालिए, मेरे संग पढ़ने मेरे साथ पढ़िए। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड का मतलब क्या होता है? शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा। शेफर्ड मीन्स चरवाहा, जो गाय भेड़ बकरियाँ चराते हैं ना, उनको चरवाहा बोलते हैं, और इंग्लिश में शेफर्ड बोलते हैं। ट्रेजर मीन्स, ट्रेजर होता है खजाना, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अ ये प्रीव्यू है, तो हम इस बार प्रीव्यू को स्किप कर देते हैं, हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको स्किप कर देते, वही है स्टोरीज़ बताई गई थोड़ी सी, इसमें क्या है तो मैं डायरेक्ट आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक विलेज गांव बताया था पहले भी मैंने आपको, गांव, एक गांव में कहाँ, ईरान। ईरान एक क्या है, देश है। क्या रहता था? वंस लिव्ड अ शेफर्ड, एक शेफर्ड रहता था। शेफर्ड आपको बता चुकी मैं आगे, क्या था पीछे, क्या था वो, चरवाहा बोलते शेफर्ड को। ही वॉज वेरी पुअर, वो क्या था, बहुत गरीब था। पुअर मीन्स गरीब। He did not have even a small cottage of his own. He did not have, उसके पास क्या नहीं था, a small cottage. Cottage means झोपड़ी। किसकी, खुद की एक झोपड़ी भी नहीं थी उसकी, खुद की, ठीक है। Own means खुद का। He had never been to school or learned to read and write. He had never been to school means वो कभी स्कूल नहीं गया था, और ना ही उसने कभी लिखना पढ़ना सीखा था। For there were very few schools in those days. क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि उस टाइम क्या होते थे, स्कूल बहुत कम होते थे। Few means very few means बहुत कम होते थे, गिने चुने, ना के बराबर। Those days उस समय, दो हालांकि मैं आपको बता चुकी पहले भी, दो का मतलब हालांकि। पुअर एंड अनएजुकेटेड, पुअर और अनएजुकेटेड होने के कारण भी, अनएजुकेटेड मीन्स अनपढ़, अनएजुकेटेड मीन्स अनपढ़। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइस, पर जो ये शेफर्ड था वो क्या था, वो बहुत वाइस था। वाइस मीन्स समझदार, उसके पास बहुत अच्छी समझ थी अनपढ़ होने के बावजूद भी। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो and troubles. He understood means समझना। He understood people's sorrow means दुख, and troubles means मुसीबत। वो क्या करता था, लोगों को समझता था, उनके दुख समझता था और उनकी मुसीबत को समझता था। and help them face their problems with courage and common sense, और उनकी मदद करता था किस चीज़ में, कि वो अपने problems को face करें with courage, courage means हिम्मत या साहस, हिम्मत या फिर साहस के साथ, और common sense means बुद्धि के संग, बुद्धि या सामान्य बुद्धि बोलते हैं जिसे, common sense, ठीक है। ये उनको हेल्प करता था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस कर सके, घबराए नहीं। आगे, मैनी पीपल कम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत पीपल, मैनी पीपल, बहुत पीपल, काफ़ी लोग क्या करते थे, उसके पास आते थे। केम टू हिम फॉर, किस लिए, उसकी एडवाइस के लिए, एडवाइस मीन्स सलाह के लिए, क्योंकि वो बहुत समझदार था। सून बहुत जल्द, ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, बहुत जल्द वो क्या हुआ, अपने फेमस हो गया, किस लिए, विजडम, विजडम क्या, समझदारी या दया,
समझदारी या फिर या फ्रेंडली नेचर पता है, मिलनसार जो नेचर था उसका, उसके कारण वो क्या होता, बहुत जल्दी फेमस हो गया था। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस जो कंट्री, वो जो कंट्री थी, उस किंग ने, उस कंट्री के किंग ने हर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में सुना था, एंड थॉट, सोचा ऑफ मीटिंग हिम, क्या क्या सोचा, उससे मिलने का सोचा। डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड मीन्स होता है बेश या फिर भेष बदल कर। एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल बोलते हैं खच्चर को। क्या करा वो जो वहाँ के किंग थे, उसने क्या डिसाइड करा कि वो उससे मिलेंगे कैसे, डिस्गाइज्ड होके, मतलब अपना भेष चेंज करके उससे मिलेंगे। क्या बने थे वो भी, शेफर्ड बने थे, राइडिंग ऑन अ म्यूल, क्या खच्चर पे वो सवार हो रखे थे। वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन किंग केव के पास आते हैं। वेयर द वाइस, नेक्स्ट पेज, वेयर द वाइस शेफर्ड लिव, जहाँ पे वो शेफर्ड रहता था, वो कहाँ रहता था, एक केव के पास रहता था, वहीं पे किंग आते हैं। एज सून एज, जैसे ही द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जैसे ही शेफर्ड देखता है कि कोई उसकी, कोई ट्रैवलर जो है, ट्रैवलर बोलते हैं यात्री को, उसकी केव की तरफ आ रहे हैं, टूवर्ड्स होता है की तरफ द केव, ठीक है। ही रोज टू वेलकम ही, वो उनको वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ, मतलब स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, उसने क्या करा, वो जो थका हुआ यात्री था उसको अपने केव के अंदर बुलाया। ही गेव हिम अ वाटर टू ड्रिंक, उनको पानी पीने के लिए दिया। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और अपनी जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसका था, उसमें से उसको क्या करते हैं, खाना ऑफर करते हैं, देते हैं। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, तो जो किंग होते हैं वो भेष बदल कर आए थे ना उसके वहाँ पे, उसकी केव के पास पे आते हैं एज अ ट्रैवलर बनकर आते हैं, उनको फिर वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे रुक जाते हैं एक रात के लिए उसी केव में। एंड सॉ ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइस कॉन्वर्जेशन, और क्या होते हैं इम्प्रेस्ड, मतलब होते हैं उस, वो उससे क्या होते हैं इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, किससे, शेफर्ड से, उसकी शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से उसकी, और कॉन्वर्जेशन से, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी बोलते हैं ना जिसे, मेहमान नवाजी, जो गेस्ट की खातिरदारी करते हैं उसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। वाइस कॉन्वर्जेशन, उसके मधुर स्वभाव से जो वो बातें कर रहा था, जो टॉक्स थी उसकी, उससे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं वो। आगे दो, हालांकि स्टिल टायर्ड, टायर्ड होने के कारण भी द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो उस टाइम भी थके हुए थे बट वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाएंगे। ही सैड, वो बोलते हैं मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, वो क्या बोलते हैं, वो जो पुअर ट्रैवलर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्या मेरा, मेरे को आगे बहुत रास्ता तय करना है बोलते हैं। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दे। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आई ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड बोलता है थैंक यू, वो बोलते हैं शुक्रिया। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मीन्स ये जो टर्म है वो किसके लिए, राजा के लिए यूज़ करी जाती है, तो बोलते हैं थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मतलब मेरे यहाँ आने के लिए वो उसको थैंक यू बोलते हैं। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश्ड मतलब चकित हो जाना, चकित या चौक जाना, चौक जाना। एज वेल एज प्लीज्ड, और दूसरी तरह मतलब चौक भी गए थे और वो खुश भी हुए थे। ही इज़ इनडीड वेरी वाइज, वो हालांकि वो वाकई में क्या था, बहुत समझदार था। ही थाट टू हिमसेल्फ, वो खुद से सोचते हैं, अपने मन मन में सोचते हैं हाँ ये सच में समझदार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मैं ऐसे ही इंसान को चाहता हूँ जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, फिर क्या करते हैं अपॉइंट मतलब क्या करना, उनको एक पोजिशन दे देते हैं, किसको, वो जो हम्बल शेफर्ड था किसकी, गवर्नर की पोजीशन दे देते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में बना देते हैं, छोटा एक डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, जबकि देखते हैं कि वो क्या होता है, उसकी पावर और डिग्निटी क्या है, बढ़ती जा रही है,
सांख जो होती है, मतलब रेपुटेशन उसकी भी देखो, उसको पावर मिल गई। पहले वो क्या था, एक पुअर शेफर्ड था, फिर वो जाकर क्या बन गया, एक डिस्ट्रिक्ट का, चाहे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हो, फिर उसका वो गवर्नर बन गया। किसने बनाया, राजा ने बनाया, तो बहुत प्राउड वाली बात है ना। बट उसकी जबकि पावर बढ़ती जाती, उसकी डिग्निटी बढ़ती जाती, द शेफर्ड रिमेन्ड अ हम्बल एज एवर, जैसा बट वो था हम्बल, वो वैसा ही हम्बल रहा। द पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस, जो लोग थे उसको बहुत प्यार देते थे, उसकी बहुत इज्जत करते थे, किस लिए, उसके विजडम, उसकी समझ, उसकी सिंपथी, उसकी सहानुभूति और उसकी अच्छाई के कारण। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। जो अब वो क्या बन चुका था, गवर्नर बन चुका था, बट उसका नेचर सेम था, तो उसके जो फेयर, मतलब जो जो सच्चाई थी, जो ऑनेस्टी थी उसकी, एज अ गवर्नर भी रही, और उसी कारण वो क्या हुआ, वो और फेमस होता गया, मतलब एक अच्छा गवर्नर के रूप में। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोवेंसेस, प्रोवेंसेस मतलब होते हैं जो राजतंत्र होते हैं ना छोटे छोटे, या अभी बोले जैसे राज्य होते हैं यहाँ पे, तो प्रोविंसेस होते हैं, छोटे छोटे एरियाज होते हैं। ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, जेलस मतलब जेलस होना, वो ईर्ष्या रखना, ईर्ष्या होना किसी से, एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और क्या करते हैं, किंग से उसके अगेंस्ट में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। दे सैड, वो बोलते हैं ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, उसके बारे में बात, क्योंकि वो उससे क्या होते हैं, जल चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, ईर्ष्या हो जाती है उन्हें उससे, तो बोलते हैं वो क्या है, वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और बोलते हैं कि वो जो मनी कलेक्ट करता है वो लोगों से एज अ टैक्स, उसमें से वो कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, वो बेईमान है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, बोलते हैं तो फिर वो एक पूरे बताते हैं राजा को कि वो एक तो डिसऑनेस्ट है, और वो जो अपना जो मनी कलेक्ट करता है वो अपने पास रखता है उसमें से हिस्सा। तो फिर एक और बात हुआ, तो कहता है अगर ऐसी बात नहीं है तो वो फिर जो चेस्ट है, जो आयरन चेस्ट है, जो बॉक्स, ऐसे बॉक्स जैसा कुछ होता है आयरन चेस्ट, कहता है वो क्यों अपने पास कैरी करता है। परहैप्स, हालांकि ही कैरिड इन इट अ ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, वो कहते हैं तो मे बी हो सकता है जो उसने ये जो ट्रेजर, जो ये खजाना इकट्ठे करें, टैक्स से जो पैसे आते थे उनको इकट्ठा कराएं, वो उसमें रखा होगा, हो सकता है। आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली, मतलब मजाक उड़ाते बोलते हैं, ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, मतलब मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं तो शेफर्ड ही ना, तो वो उसी तरीके से बिहेव करेगा, वो उनके कहने का मतलब है, तो उसने कभी कुछ नहीं देखा, उसको कुछ नहीं पता, उसको एकदम से गवर्नर बना दिया गया, तो उसके मन में लालच आ गया, वो ऐसे टैक्स की चोरी करता है, टैक्स की चोरी कर खुद ही कलेक्ट कर लेता है, तो लास्ट उसके मजाक उड़ाते हुए ऐसी बात बोलते हैं। आगे, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो किंग ने मतलब कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया कि ये जो रिपोर्ट्स वगैरह, मतलब बातें उसके बारे में, शेफर्ड के बारे में बोले जा रहे थे जिसको गवर्नर बनाया था। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, बट एक बात वो होती है ना, जैसे मतलब कोई किसी को बार 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 सेम चीज़ें बोले जा रहे हैं, तो एक बार इग्नोर कर सकता है कोई, दो बार इग्नोर कर सकता है, बट बार बार इग्नोर नहीं कर सकता ना वो, तो फिर वो वही राजा भी वो परेशान हो जाता है, वो कहते हैं फिर कि मतलब क्या बात क्या है, वो देखना चाहता है। वन थिंग वॉज सर्टेन, बट एक चीज़ तो पक्की थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो किंग ने देखी थी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, बट एक चीज़ मतलब वो पहले ट्रस्ट नहीं कर रहा था उसको, तो उस पर भरोसा था कि वो अच्छा है इंसान, अच्छा इंसान है, ईमानदार है, ठीक है, उसके वो समझदार हैं, बट फिर कहीं ना कहीं उसके मन में भी डाउट आ गया था, जैसे जैसे एक तो ये बार बार उसको बोल बोल के परेशान करते बाकी के जो गवर्नर से, फिर उसको थोड़ा सा खुद वो एक चीज़ उसने देखी कि हाँ एक बात तो वो ठीक बोल रहे हैं कि हमेशा ये एक आयरन चेस्ट अपने साथ कैरी करता है, क्या बात हो सकती है। तो वन डे, एक दिन, द किंग द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द प्लेस्ड, समन मतलब होता है बुलावा, जो बुलावा भेजते हैं ना किसी अथॉरिटी के द्वारा, अगर किसी को बुलाया जाता है तो उसको समन बोलते हैं, टू द पैलेस, तो उसको जो महल में बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपनी कैमल में राइड करता हुआ आता है, एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और लोग इधर खुशी से देखते हैं, द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फैसिनेटेड,
बांधा हुआ, फैसिनेटेड मतलब बांधा हुआ, तो दे लोग देखते हैं कि हाँ चलो आयरन चेस्ट जो है बांधा हुआ है, सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की बैक में वो बांधा होता है चेस्ट। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब तो किंग को भी गुस्सा आ जाता है, ही वॉज थंडर, चिल्लाते हैं वो एकदम से, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तो बोलते हैं तुम क्यों, मतलब गुस्से में बोलते हैं, वो देख लेते हैं मतलब वो तो एक तो पहले से ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैल रही होती हैं, फिर बाद में वो अपनी जब आता है तो देखते हैं कि हाँ ये तो सच में आयरन चेस्ट एक बंधा हुआ है वहाँ पर, उसको देख कर वो उनको और गुस्सा आ जाते हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, उनको देख के गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनकी आंखों में जैसे उनके कानों में बातें डाली गई थी उस हिसाब से उनको सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। वो आते हैं तो उनको आयरन चेस्ट दिखा देते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, उसे पूछते हैं गुस्से में कि क्यों कैरी करते हो, व्हाट डज इट कंटेन, क्या है इसमें, उससे पूछते हैं। तो फिर एक मिनट, द गवर्नर स्माइल्ड, तो गवर्नर जो होता है वो स्माइल करते हैं, हंसता है, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसको चेस्ट लाने के लिए बोलते हैं। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्स टू बी फाउंड आउट, मतलब वो सोचते हैं कि हाँ इसने गलत कर रखा है, वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं ईगरली, मतलब वो नहीं हो तो एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जब बोला जाता है कि वो आयरन चेस्ट अंदर लाने के लिए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट एंड इवन द किंग ऑफ हिमसेल्फ When the chest was opened, but जब वो चेस्ट को खोला जाता है, बॉक्स खोला जाता है, नो गोल्ड एंड नो सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कम आउट, ना तो उसमें से कुछ सोना निकलता है, ना कुछ चांदी निकलती है, ना और कोई ज्वेलरी निकलती है, उसमें से क्या निकलते हैं, उसमें से निकलता है एक ब्लैंकेट, क्या निकलता है एक ब्लैंकेट, होल्डिंग इट अप, ब्लैंकेट पकड़ते हुए प्राउडली मतलब गर्व से, द शेफर्ड सैड, वो शेफर्ड बोलते हैं, वो चरवाहा बोलते हैं, दिस माई डियर मास्टर, यह है, वो दिखाता है, दिस इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही है मेरा जो है, यही मेरा खजाना है, आई ऑलवेज कैरी विद मी, मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, फिर उससे पूछते हैं तुम ऐसा ऑर्डनरी ब्लैंकेट क्यों लेकर घूमते हो, श्योरली बिल्कुल यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आप तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, मतलब ऐसे कितने अच्छे अच्छे ब्लैंकेट्स आप ले सकते हो, बट एक ही साधारण सा ब्लैंकेट क्यों लेकर घूमते हो। द किंग आस्क्ड, किंग ने उससे पूछा, टू इज द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, बट वो जो फिर शेफर्ड रिप्लाई करता है थोड़ी नम्रता के संग, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है, मीन्स पहले आप अभी तो वो गवर्नर है बट वो पहले क्या था, एक नॉर्मल एक पुअर सा शेफर्ड था, और उसके पास उस समय क्या था, उस समय यही ब्लैंकेट था, उसके पास और कुछ नहीं था, तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी है उसका यही है, यही उसका सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेसी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, तो वो कहते हैं यही है जो मुझे अभी भी प्रोटेक्ट है, मतलब जो मौसम वगैरह से इन सब चीज़ों से, क्योंकि उस पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, तो सिर्फ एक ब्लैंकेट था जो भी था, वो ठंड लगे चाहे कुछ भी हो उस ब्लैंकेट को यूज़ करता था। हाउ प्लीज द किंग वॉज, ये देखकर तो किंग बहुत खुश हो जाते हैं, एंड हाउ एम्बेरस्ड, और बहुत शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, द जेलिस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैंस रिप्लाई, उसका रिप्लाई सुनकर तो ये वो तो सोच रहे थे भाई ये वो सोचते हैं कि ये गलत है, बट वो उसकी थॉट्स वगैरह को देख के सब एम्बेरेस भी हो जाते हैं, इसके कितने अच्छे थॉट्स हैं। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इन डीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, फिर वो मान लेते हैं कि हाँ ये सच में क्या है, एक हम्बल ए और क्या है वाइज और वाइस मैन है, कहाँ इस पूरे लैंड पे, इस धरती पे सबसे ईमानदार इंसान है और सबसे दयालुता इंसान है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, वेरी डे मीन्स उसी दिन, उसी दिन वेरी डे या फिर सेम डे, उसी दिन क्या बना देते उसे, उसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते खुश से खुश होकर। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, देखो जो शेफर्ड था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था पहले, है ना, वो कुछ भी नहीं था, उसको जो उसका क्या था, उसको इतनी तरक्की किस वजह से मिली, उसके नेचर से, मीन्स वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, पुअर था, बट उसकी जो समझदारी थी, उसका नेचर था, उसकी ईमानदारी थी, उसका दूसरों के को लेकर जो नेचर था, उसी वजह से वो इतना फेमस था, एज अ शेफर्ड भी वो फेमस हुआ, एज अ गवर्नर भी वो फेमस हुआ, फिर गवर्नर उसके पास उसके जो उस पर इल्ज़ाम भी लगे, बट उसके बाद भी वो क्या साफ निकल गया, क्यों,
क्योंकि उसका नेचर अच्छा था, साफ था, हम्बल था, ईमानदार था, इस वजह से। तो ये स्टोरी हमें यही बताती है, जो नेचर होता है हमारा वही हमारी ग्रोथ करवाता है आगे। ठीक है, हमें हम्बल रहना चाहिए, वाइज रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए दूसरे के प्रति। ठीक है, यही स्टार्टिंग से। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, यहाँ क्वेश्चंस है ये हमारे, एक सेकेंड, यहाँ देखो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, क्यों नहीं जा पाता था स्कूल, ही वॉज़ वेरी पुअर, वो गरीब था इसलिए, देर वॉज़ वेरी फ्यू स्कूल, उस समय बहुत कम स्कूल हुआ करते थे इस वजह से, या ही वॉज़न्ट इंटरेस्टेड इन स्टडी, या उसका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं था। तो हमारा आंसर है, हमारा आंसर है सेकेंड, देर वॉज़ वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, उस समय स्कूल बहुत कम हुआ करते थे। हु विजिटेड द शेफर्ड्स वन डे एंड वाई, कौन शेफर्ड से मिलने जाते हैं। द शेफर्ड सून बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, देखो इसी कारण से फेमस हुआ था ना, उसके नेचर की वजह से। तो द किंग ऑफ ईरान, तो जो किंग के ईरान थे उनने उसके बारे में सुना, हर्ड अबाउट हिम एंड विजिटेड हिम, उससे मिलने गए। ही वॉज राइडेड अ म्यूल ड्रेस लाइक अ शेफर्ड, वो खच्चर पे सवार हो के एक शेफर्ड का भेस लेकर गए थे। Why did the other governors grow jealous of the shepherd? जो बाकी के गवर्नर थे वो उस शेफर्ड से जलिस क्यों हुए थे। The common shepherd was appointed the governor of a small district. एक कॉमन सा शेफर्ड, एक तो पहली बात उनको उसी से बहुत बुरा लगा कि मतलब ये क्या एक नॉर्मल से पर्सन, गरीब सा शेफर्ड को उठाकर क्या बना दिया, एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। He was loved and honored by people, और दूसरा लोगों के द्वारा उसको पसंद भी करा जाता था, उसको प्यार करा जाता था। His famous spread far wide, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था एज अ गवर्नर भी, तो इसी वजह से लोग उसे, जो गवर्नर थे बाकी उसे जलन करने लगे थे। सो द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रो जेलिस विद जेलिस ऑफ हिम, तो इसी वजह से क्या होते थे, वो उसे जेलिस होते थे। फोर्थ, व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड द पैलेस द जेलिस, क्यों बुलाया गया था उसको गवर्नर को, न्यू गवर्नर को पैलेस में। द जेलिस गवर्नर पॉइजन द किंग्स ईयर, देखो कान भर देते ना, पॉइजन द ईयर मीन्स कान भर दिए थे किसके अगेंस्ट, द न्यू शेफर्ड गवर्नर, जो नया गवर्नर था उसके खिलाफ। दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वॉज डिसऑनेस्ट, वो क्या है, बेईमान है, एंड ही ऑलवेज कैरीड हिज इल गॉटेड ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट, वो क्या कहते हैं, वो जो बेईमानी से इकट्ठा करा हुआ ट्रेजर है, खजाना है, वो किस में लेकर घूमते हैं, आयरन चेस्ट में। सो द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू सी द ट्रेजर, तो इसलिए उसको पैलेस बुलाते हैं, क्या देखने के लिए, उसका ट्रेजर देखने के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वाई वॉज द एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, क्यों खुश हो गए थे वो कैमल के बैक पे वो आयरन चेस्ट देख के, वो सोचते अब तो ये पकड़ा गया। दोज हु वर प्रेजेंट इन द पैलेस, जो भी पैलेस में प्रेजेंट थे उस समय, उपस्थित थे, थॉट दैट द आयरन बॉक्स कंटेन वैल्यूएबल्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ है उसमें कि मतलब जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये बेईमान है। इफ़ देयर रिपोर्ट प्रूव ट्रू, अगर उनकी जो रिपोर्ट है वो प्रूव हो गई, द किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड, वो क्या करेंगे, वो जो उस शेफर्ड को क्या करेंगे, निकाल देंगे। सो दे वर डिलाइटेड, इसलिए वो खुश थे। दे वेटेड एंशियसली टू सी द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, इसलिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे उसका कंटेंट देखने के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ है, What did the iron chest contain? क्या था iron chest में? Why did the shepherd always carry it? क्यों उसको carry करता था हमेशा? Is it an example of shepherd's humility and wisdom or both? क्या ये उसकी humility का और wisdom का example था? The answer is the iron chest contain only old blanket. क्या था उसमें? एक old blanket था. Old blanket था. The shepherd always carried his blanket in the box because it is old. ओल्डेस्ट एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड, जो क्या था, एक उसका था, एक ओल्डेस्ट था और टाइम टेस्टेड फ्रेंड था ब्लैंकेट, मतलब मुसीबत के समय वही एक था जो था उसका। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस ऑफ किंग्स टू कवे हिज पोस्ट एंड पावर, अगर उसको ये था कि मतलब ये नहीं था कि अगर पावर पोजिशन सब कुछ मिल गई तो उसने सब कुछ अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, अपना नेचर चेंज कर लिया, नहीं, बट उसको ये था अगर इन केस अगर कुछ होता है उसके संग, मतलब जैसे या तो उसको पोस्ट वगैरह से निकाल दिया जाए, बट फिर क्या होगा, कौन होगा उसका, तो उसने इसलिए जो उसका उस समय फ्रेंड था
जब उसका कोई नहीं था, जब वो गरीब था उस समय भी उसका ब्लैंकेट था, जब वो अमीर बन गया, जब उसको अच्छी पोजीशन मिल गई तभी भी वो ब्लैंकेट को कैरी करता था। अगर वो इस ये इसमें था कि अगर उसको निकाल भी दें तभी भी ये उसका फ्रेंड रहेगा, तो इसलिए उसने कभी भी उसका साथ नहीं दिया, वो हमेशा उस ब्लैंकेट को अपने साथ कैरी करता था। ठीक है, थर्ड, येस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमैनिटी एज वेल एज विजडम। ह्यूमिलिटी क्या है, उसकी ह्यूमिलिटी और उसकी विजडम का एग्जाम्पल था कि वो उस ब्लैंकेट को अभी भी कैरी करते हैं, उस पुराने ब्लैंकेट को एक गवर्नर बनने के बाद भी। लास्ट एंड सेवन्थ, हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू किंग, कैसे रिवार्ड करते हैं। द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड, क्या था, बहुत खुश थे विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी को देखकर और ह्यूमिलिटी को देखकर। ही रिवार्डेड हिम विद द प्रमोशन, उसका क्या करते हैं वो प्रमोशन कर देते हैं उसकी ईमानदारी देखकर। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर प्रोवेंसेस द सेम डे, उसी दिन उसको क्या करते हैं एक बड़े प्रोवेंसेस का गवर्नर बना देते हैं। ठीक है, देखो वो अपनी ईमानदारी और विजडम और ह्यूमिलिटी के कारण कहाँ से कहाँ पहुँच गया ना, उसने अपना नेचर चेंज नहीं करा, यूं नहीं कि उसके पास पावर और सक्सेस और मनी सब कुछ आ गया तो उसने अपना नेचर ही चेंज कर दिया, नहीं वो जैसा था वो अभी भी वैसा ही है। तो हमारी वैसे ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप इसको दोबारा रीड करना ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर्स देख लेना। मैं अपनी वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड ट्राई टू बी लाइक दिस शेफर्ड। ठीक है, बाय।